तो भाइयों फिलहाल हमारे जो अलॉय व्हील्स एकदम फिट हो चुके हैं, मैंने टेस्ट राइड ले लिए यहाँ पे, बस आपको वीडियो में अभी दिखाऊंगा आगे जाके, थोड़ा रोड खाली मिलेगा जब। वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मी दानिश। तो गाइज आज मैं आ चुका हूँ आप लोगों के सामने नई वीडियो लेकर। काफी दिनों का वेट करा आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाई YouTube फैमिली मेरी मुझे प्यार करती है। तो गाइज थैंक यू, आपने इतना सपोर्ट करा, आपने वेट करा मेरी वीडियो का, तो फाइनली आज आपके पास वीडियो मेरी आ गई है। तो गाइज बस कुछ ही देर में हम निकलेंगे करोल बाग के लिए, और बाइक दिखाऊंगा पूरी गंदी हो रखी है, मतलब बुरी तरह, क्योंकि जब मैं था नहीं यहाँ पे तो साफ कौन करेगा। वैसे साफ करने वाला मैंने बंदा लगा कंपनी की, वैसे कंपनी जो है मैं सोच रहा हूँ रॉयल किंग या फिर पराडो जो चलती आ रही है, और रॉयल किंग अभी नहीं आई, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे रेट में कितना फर्क आ रहा है, और क्या मतलब दुकान वाले बता करेंगे किसका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो सेल कर रहा है उसे पता होगा किसकी सेल ज्यादा जा रही है किसकी नहीं। ठीक है, चलो भाई बाइक स्टार्ट करते हैं। बाइक धुल गई है, बढ़िया हो गई है, एक एक में बाइक स्टार्ट हो चुकी है। तो अब चलते हैं फटाफट से गोल्डी के पास, उसको ले लेते हैं। बाय मम्मा। तो गोल्डी को लेते हैं और गोल्डी को लेके चलेंगे करोल बाग, क्योंकि वहाँ से वाले वीज भी लेके आने हैं जो उसमें लगे हुए हैं। पहले गलियों से बाहर निकलते हुए, तो गाइस फाइनली गोल्डी भाई आ चुका है। गोल्डी भाई मेरे पीछे बैठा हुआ है और अब निकल रहे हैं हम करोल बाग के लिए। ठीक है, और बाकी रोड एंजॉय करना, आप बीच बीच में बात करूंगा आपसे। मैं देख रहा हूँ कि जब से मतलब जो चलान के रेट इतने ज्यादा हाई करें, जब से ट्रैफिक रूल जो है बहुत ज्यादा फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि मैं जितनी बार यहाँ से जाता था तो कोई रुकता नहीं था रेड लाइट पे, तो आज मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे मतलब बाइक कार सारे के सारे रुके हुए, इवन सामने भी आप देख सकते हैं पूरा जो है मतलब सब रुके हुए हैं। सारे जो लोग हैं वो डर चुके हैं, क्योंकि चलान की वजह से देख सकते हो आंटी भी जा रही है स्कूटी पे, तो इन्होंने भी हेलमेट मतलब लगा रखा है। अच्छी बात है यार, ये रूल जो होते हैं हमारे लिए होते हैं और हम लोग ही इसको ख़राब कर। मैं एक दो महीने के अंदर नई बाइक निकाल लूँगा और इसको मैं सेल कर दूँगा, इसको सेल करूँगा, जो इसके अंदर जो व्हील्स लगे हुए होंगे जैसे कि जो मैं आज लगाने जा रहा हूँ वो व्हील्स मैं निकाल लूँगा, और वापसी जो इसमें स्पोक डले हुए हैं वो मैं इसमें इंस्टॉल करके और मैं इसको सेल कर दूँगा, क्योंकि अगर मैं वो भी डाल के दे दूँगा तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और लॉस होने के कारण फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अभी तो मैं आज डलवाने जा रहा हूँ, है ना। तो गाइज बस ये है कि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इसमें अलॉय व्हील्स डलवाने जा रहा हूँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो 5-6 हज़ार रुपये इस पर स्पेंड करूँगा अब, सिर्फ इसलिए कि मेरी वीडियो बनेंगी, आप लोगों को दिखाना है बनाकर कंप्लीट करके बाइक को। तो बस यही है यार, आप लोग बस सपोर्ट करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करा करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो देखें वीडियोस और उनको वो भी इंस्पायर हुएँ ऐसी अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन करें छोटी मोटी जो बहुत अच्छी लगती है, और बाइक का जो लुक है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो अपने फ्रेंड्स में अपनी वीडियोज़ मेरी वीडियोज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। कमेंट करोगे तो बहुत अच्छा है, कमेंट आपके एक कमेंट करने से ना इतना ज़्यादा हौसला और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आप मुझे अगर 10 मैसेज हर एक बंदा 10 मैसेज करेगा ना, मतलब कि भाई ऐसा कर लो, भाई वैसा कर लो, या टू गुड या फिर नाइस या कुछ भी, या आपको सजेस्ट भी करोगे भाई ऐसा नहीं ऐसा होता था, तो वहाँ भाई को बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बंदे हैं समझ रहे हैं अपना, तभी तो बोल रहे हैं, नहीं समझोगे तुम तो बस यार अपनी वीडियो देखिए हटा, है ना। लेकिन ये कि आप समझते हो कमेंट करते हो भाई मुझे अच्छा लगता है। कई कई बंदे तो यार मैं अभी ध्यान में नाम नहीं आ रहा उस भाई का, वो बंदा कमेंट कर रहा था मुझे, बोल रहा था कि भाई आपकी मैंने वीडियो देखी और मतलब मैं देखने से वेट कर रहा था कि आप अचानक से कहाँ गायब हो गए, और मैं वो बंदा मेरा बार बार मेरा चैनल खोल रहा था कि भाई ये वीडियो डाल रहा है तो नोटिफिकेशन तो नहीं आ रही, क्या दिक्कत आ रही। तो बाबा बंदा वो मेरा चैनल खोलता और वीडियोज में जाके देखता कि भाई वीडियो तो नहीं डाली, लेकिन मैं भाई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो उस बंदे का कमेंट आया तो इतना अच्छा लगा कि भाई बंदा यार है मेरे से प्यार कर रहे हैं, बंदे यार सपोर्ट कर रहे हैं,
तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा उन्हीं भाइयों के लिए, आप जैसे भाइयों के लिए। तुम्हारा भाई देखो आज जा रहा है स्प्लेंडर लेके, पैसे इसमें लगाऊंगा, अब एक दो महीने मुश्किल से चलाऊंगा उसको, मैं बेच दूंगा इसके बाद ये, है ना। तो सिर्फ ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं यार, तो उसके बाद मैं नई निकाल लूँगा, और नई निकाल लूँगा स्प्लेंडर तो यार बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आएंगी और तुम्हें मज़ा आ जाएगा मेरे को बताएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अभी फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ लाजपत नगर, तो लाजपत नगर मेट्रो जो है मेरे राइट साइड पे, लाजपत नगर और ये डिफेंस कॉलोनी लेफ्ट पे, ठीक है। चलो रोड एंजॉय करो, मिलते हैं। गाइज देखा आपने, तुम्हारा भाई बाइक रोक के बस मैंने कहा थोड़ा पिजन जो है हमारे कबूतर उनको उड़ाएं, मजे ले, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार इनके साथ खेलना। तो गाइज ये हमारे राइट साइड पे आ गया है बंगला साहिब गुरुद्वारा, बहुत बढ़िया बना हुआ है अंदर से, बहुत अच्छा है, और अंदर जाओ तो अलग सा ही सुकून मिलता है। और बीच में इसमें एक सरोवर है, मतलब सरोवर मीन्स सरोवर किसी को नहीं पता तो समझ लो स्विमिंग पूल टाइप समझ लो, उसके अंदर मछलियाँ वगैरह होती हैं। सरोवर जो होता है इनके मतलब कि मतलब पंजाबी रिलीजन में बोलते हैं कि जैसे गंगा जल टाइप समझ लो, तो उससे बंदा नहा ले तो शुद्ध हो जाता है ऐसा कुछ, मतलब जितना मुझे पता है, ठीक है। और ये है गोल डाक खाना दिल्ली का, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत पुराना है गोल डाक खाना, देख सकते हैं आप, GPO बोलते हैं वैसे, देखो बढ़िया है ना, झकास एकदम। तो भाई ऐसी ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है आपको, तो भाई लाइक भी ठोक दो यार, कमेंट भी करके बता दो क्या चीज़ अच्छी हो रही है, इंडिया गेट, बंगला साहिब या गोल डाक खाना। और एक चीज़ ये देखो भाई साहब, सारी साइकिलें खड़ी हैं सरकार की तरफ से, स्मार्ट बाइक करके नाम दिया हुआ है इसको, आप अपने मतलब ID जमा कराओ और रेंट पे आप ले सकते हो, तो ये मतलब गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट से मिल जाती है, उन्होंने जिनको चाहिए लोकल घूमने के लिए तो उनको मिल जाती है। चलो जी है, पहुंच गए हम कालीबाड़ी रोड, यहाँ से निकलते हैं राइट में। तो गाइस हम आ चुके हैं करोल बाग मार्केट में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये जो रोड है नाईवा रोड है, और ये जो रोड है जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये जो सामने दिख रहे हो आप, ये रोड है अपना वो आश्रम रोड, मतलब जैसे रामकृष्ण आश्रम मार्ग पर कौन सा रोड बोलते हैं, बाकी आर्य समाज रोड है, ठीक है। तो यहाँ मैं गोल्डी भाई को भेजूँगा, गोल्डी भाई वो भैया बैठे ना उनके पास जा, उनसे पूछ स्प्लेंडर के अलॉय व्हील्स कितने के हैं, एस और मर्सिडीज दोनों, हाँ प्राडो कंपनी में। तो गाइस ये है पवन शॉप, पवन एक्सेसरीज, इनका भी यूट्यूब चैनल है पवन एक्सेसरीज का, काफ़ी डिस्काउंट देते हैं अभी, पता करने गया देखो क्या होता है। क्या कह रहे हैं, 4800 के हैं दोनों, कोई भी ले लो दोनों के सेम ही रेट पड़ेंगे, कोई डिस्काउंट कुछ नहीं, वो तो अब लेंगे तो बताएंगे तभी तो। भैया फिक्स्ड है क्या, कौन सी प्राडो, अच्छा चल ठीक है बैठ, एक जगह और देखते हैं क्योंकि मैं, हाँ हाँ। तो गाइज यहाँ पे 4800 रुपए के मिल रहे हैं, दोनों व्हील्स के सेम ही प्राइस हैं, चाहे एस वाले ले लो चाहे मर्सिडीज ले लो। तो अभी एक शॉप और है वहाँ चलते हैं, मैंने मतलब वहाँ से एक मेरे फ्रेंड ने डलवाया था, तो मैंने उससे पूछा था कहाँ से डलवाया था, उसने भी बताया था कि राजधानी है या वो राजधानी है मेरे ख्याल से कुछ और नाम है, मुझे दुकान पता है, बाकी देखते हैं वहाँ चल के कितना रेट बता रहे हैं वो लोग, जहाँ पे सस्ता मिल रहा होगा वहाँ से लेंगे, ठीक है ना। और बाकी ये जो रोड है ये नाईवा रोड है, ठीक है ना, बाइक देखोगे मस्त मस्त खड़ी है, सेकेंड हैंड बाइक ले सकते हो आप। तो यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, क्योंकि उसने बोला था कि नाईवा रोड पे फर्स्ट जो चौराहा आएगा वहाँ से आपने लेफ्ट लेना है फर्स्ट, और लेफ्ट लेने के बाद हाँ सचदेवा न्यू दिल्ली मोटर्स। तो यहाँ पे मतलब जो व्हील्स की जो वैरायटीज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, देख सकते हैं आप। तो मर्सिडीज़ देखो, एक तो सिल्वर में है और एक ब्लैक में है, भाई साहब जहर लग रहे हैं दोनों ही, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें ब्लैक वाले ले जाएं, या तो ब्लैक या फुल क्रोम में, चलते हैं पता करते हैं अंदर जाके। भैया स्प्लेंडर के लिए कितने का मिलेगा व्हील, स्प्लेंडर के लिए अलॉय व्हील्स मर्सिडीज में और एस में कितने कितने के हैं,
42। कौन सी कंपनी? किंगवे का मिलेगा। किंगवे और प्राइडो वगैरह कुछ नहीं? तो किंगवे जो है ये मतलब प्राइडो ऐसा ही है या ऐसा, मतलब थोड़ा बताएंगे उससे? अच्छा है, मतलब ड्यूरेबल होते हैं ना, और जो उसके अंदर का जो ड्रम होता है वो सब वैसा घिस जाता है वैसा कुछ? अच्छा, और अलाइनमेंट वगैरह जो होती है सही एकदम? 42 के कौन सा, मतलब क्रोम में मिलेगा या फिर सिल्वर पेंट में मिलेगा? तो गाइस करोल बाग में आ गया हूँ, करोल बाग आगे थोड़ा सा एक मूड खराब हुआ है, थोड़ा सा बताता हूँ आपको क्या दिक्कत आई है। दिक्कत ये आई है गाइस कि भैया बोल रहे हैं कि आप पुरानी बाइक है आपकी, मैंने बोला हाँ, तो भैया बोल रहे हैं कि जो नए मॉडल के जो अभी व्हील्स आ रहे हैं उनका जो ड्रम साइज होता है, जो उनकी प्लेट होती है ब्रेकिंग की जिसमें हम ब्रेक शू ऐड करते हैं लगाते हैं, तो गाइस वो उसका जो साइज जो आ रहा है थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, मतलब उसका जो ड्रम साइज है वो बढ़ा दिया कंपनी ने। जो पुरानी वाली थी उसको छोटा आता था पहले, तो मेरी पुरानी वाली आप सबको पता है। तो गाइस अब ये दिक्कत आ रही है मेरे को कि अगर मैं इसमें नए अलॉय व्हील्स अभी लेके इसमें इंस्टॉल करा लूंगा और फिर मेरे को एक, मैंने जैसे कि आपको बताया कि महीने दो महीने के अंदर मेरे को नई बाइक लेनी है, स्प्लेंडर ही लूंगा मैं नई बाइक, क्योंकि स्प्लेंडर का मुझे मतलब काफ़ी चीज़ें और करके दिखानी है, करना ही है। तो गाइस अब यहाँ दिक्कत फंस गई है कि अगर मैं इसमें अभी 5-5.5 हज़ार रुपये इसमें लगाता हूँ, इंस्टॉल कराता हूँ, फिर मैं इसको बेचूंगा तो ये कॉस्ट मेरे को नहीं मिलेगी। मतलब मैं चाह रहा था कि ये वाले अलॉय व्हील्स में निकाल के नई वाली लेके उसमें इंस्टॉल कर लूंगा, बट अब जो है कि अब ये प्रॉब्लम आ गई है कि यार यहाँ पे कि जो नए वाले लूंगा मैं वो इसके साथ ही मुझे बेचने होंगे क्योंकि वो नई बाइक में इंस्टॉल नहीं होंगे। भैया से मैंने पूछा कि वो नई वाली में हो जाएंगे कि नहीं, कह रहे नहीं, आपको फिर अलॉय व्हील्स दोबारा नए परचेस करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। बाकी मैं देखता हूँ, करोलबाग मार्केट में हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि पुरानी बाइक जो होती है, मतलब लाइक कोई जो अपने होते हैं ना स्टॉक अलॉय व्हील्स निकाल के इनको सेल कर देता है, मैं उस टाइप पे खरीद लेता हूँ तो कम बजट में पड़ेगा, अलॉय व्हील्स के अलॉय व्हील्स हो जाएंगे। लेकिन देखते हैं मिल जाते हैं ठीक है, वरना फिर जो भी होगा करते हैं। काम बाद में होगा, पहले नाश्ता। लस्सी पी ली मैंने थोड़ी सी, कचौड़ी आलू की सब्जी बड़ी अच्छी बनाते हैं, बढ़िया। तो गाइज मैंने जो नए वाले जैसे कि बता रहा था ड्रम प्लेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने अपने मैकेनिक को फ़ोन करा, उनसे पता करा कि भाई ये चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस क्या हुआ कि पीछे का जो हमारा ड्रम प्लेट होता है जिसमें हम ब्रेक शू लगाते हैं वो हमें नई लेनी पड़ेगी शोरूम पर जाके पुराने मॉडल की, ठीक है? तो वो नई वाली बाइक में इंस्टॉल कर लेंगे, वो जब की जब देखी जाएगी। और बाकी बाइक में इंस्टॉल हो रहे हैं पीछे भैया लग गए, इंस्टॉलेशन चार्ज 300 रुपये ले रहे हैं, 100 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि 200 रुपये का काम है, लेकिन 300 देने पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि यार अब मैं यहाँ पे कहाँ ले डोलूँगा, है ना? तो बेटर है 100 रुपये मैटर नहीं करते। तो हम जो है काम स्टार्ट करा रहे हैं। बाइक जो शॉप का नाम है वो है न्यू दिल्ली मोटर्स करके नाम है। यहाँ पे मेरे को जो व्हील्स का जो रेट पड़ा है वो पड़ा है अराउंड 4200 और 300 रुपये इसका इंस्टॉलिंग चार्ज, मतलब 4500 रुपये में ऑलमोस्ट मेरी बाइक में नए जो व्हील्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। और जो हमने पहले चेक किए थे पवन मोटर्स पे, पवन एक्सेसरीज पे जो मैंने आपको दिखाया था, तो वहाँ पे 4800 रुपये के थे और बिल्कुल फिक्स बता रहा था बंदा कि 1 रुपया कम नहीं होगा, बट यहाँ पे 42 बताए, 42 के ही दिए हैं क्योंकि इनका होलसेल का काम है। तो यहाँ पे कोई भी बुलेट की या बाइक, मतलब कोई भी आपको एक्सेसरीज लेनी है तो आप यहाँ पे परचेस करते हो, 1 रुपया कम नहीं करेंगे, लेकिन रेट ऐसे मांगेंगे कि आपको मतलब दिक्कत नहीं आएगी देने में, ठीक है गाइस? चलो फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ कैसे काम हो रहा है, ठीक है? गाइज देख सकते हैं आप लोग, फाइनल लुक जो आ रहा है वो ये आ रहा है बाइक का। और बाकी मैंने आपको एक राइडिंग टेस्ट दिखा दिया कि भाई चलते टाइम बाइक कैसी लग रही है, और बाइक का लुक देखो, देख रहे हो एकदम जहर हो गई है, मतलब कोई भी नहीं कहेगा कि ये इतनी पुरानी बाइक है यार, देख रहे हो, ये देखो लुक लग रही है जहर। तो बस यार
जहर लग रही है, आपको पसंद आई है आपकी भाई की मेहनत, तो बस भाई इसको फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। और बाइक का ओवरऑल लुक जो है ये सारा है, ठीक है। सो गाइस फाइनली आपने देख लिया पूरी बाइक का ओवरऑल लुक, और जो इसकी कॉस्टिंग प्राइस आई है वो आई है अराउंड मेरे को उन्होंने दिया 4200 का, मतलब 4200 का उन्होंने बताया, एक ही रेट बताया उन्होंने, बोला कि हमारा होलसेल प्राइस है तो हम ज़्यादा ऊपर नीचे रेट नहीं बताते, जो हमारा एकदम एक्यूरेट रेट होता है वो बताते हैं। तो गाइस 4200 के रेम है, और जो इसके जो फिटिंग चार्ज है वो 300 रुपये ज़्यादा है, 200 रुपये लगते हैं, बट भाई ने 300 रुपये बोले, मैंने कहा चल कोई नहीं, क्यों मुझे, मैंने आगे शॉप पे पता किया था तो वहाँ पे 4800 रुपये के खाली रिम मिल रहे थे, तो मैंने क्या बेकार है ज़्यादा मतलब बार्गेनिंग करके इस बंदे से 4200 के तरह, ठीक है। और दूसरा जो पराडो के, इसमें मैंने आपको बताया था पराडो के डलवाएंगे, लेकिन पराडो के उस टाइम पे नए मॉडल में थे, पुराने मॉडल मतलब ओल्ड मॉडल में नहीं मिल रहे थे, तो किंग वे सबको पता आज के टाइम में जैसे पराडो बहुत ज़्यादा फेमस है, किंग वे भी बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मैंने पता किया था भैया से, उन्होंने बोला किंग वे के डलवा लो, बहुत अच्छे हैं ये भी, सेम वैसी इनकी ड्यूरेबिलिटी वैसी है और बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, तो मैंने कहा चल ठीक है यार, ट्रस्ट भी करना चाहिए बंदे पे, तो कोई बात नहीं, मैंने अभी फिलहाल ये डलवा ली है। और चलाने पे मैं मतलब करोल बाग से यहाँ तक आ गया, अराउंड 10 किलोमीटर मैंने चला ली बाइक, तो रोड में खाली मिल नहीं रहा, तो मैंने एक अच्छा एक रोड देखा खाली, तो मैंने कहा यहाँ पर बना लेते हैं वीडियो। तो गाइज मतलब चलने में भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं दे रहा, कोई बबल वबल कुछ नहीं है, कोई ब्रेक का, जैसे कई बार ऑल ओवर डलवाते हैं तो ब्रेक दबाते हैं आगे की या पीछे की, तो एक अलग सी प्लेन मतलब महसूस होती है, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और बाइक कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है, मतलब व्हील्स जो है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।